आकर्षण दें और ऊर्जा प्रदान करें। मोदी 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 हम उनको लाएंगे, जो नाम तलाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम। आप सभी को राम राम। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़ा उत्सव का एक बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है, संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें और विशेष करके मैं मेरे युवाओं से आग्रह करूंगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। साथियों, हमारा अमरोहा कोई साधारण जगह नहीं है। मां गंगा के तट पर स्थित ये धरती भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की साक्षी रही है। ये धरती राजा गज सिंह और ठाकुर जयराम सिंह जैसे वीरों की भूमि है। और मुझे अभी अमरोहा की एक और पहचान ढोलक दिया गया, और यहां के ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। और हमारे योगी जी के प्रयासों से अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने जीआई टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। और इस समय मैं जो जनसमूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है। और योगी जी की सरकार तो दो कदम आगे बढ़ी है, और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को
इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। हमारे अमरोहा में यही पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है। अभी तो हमें यूपी को, देश को
बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना, जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जब मोदी तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है, तो ये सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है, तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है। हमारे यहां गरीबों की, एससी एसटी ओबीसी समुदाय की कितनी ही पीढ़ियां बिजली पानी रहने के लिए घर इसके बिना ही गुजार गई। ये गरीब का बेटा है मोदी, और इसलिए मोदी आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, खुद को खपा रहा है। भाजपा सरकार ने 10 साल में जो 4 करोड़ पक्के घर गरीबों के लिए बनवाए हैं, उसके बहुत बड़े लाभार्थी एससी एसटी ओबीसी है। अब तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में देश में 3 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की है। यहां भी हर बेघर को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, आप सब मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके सब बताएं, मेरा काम करोगे? करोगे? देखिए, जब आप चुनाव प्रचार में गांवों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, और हो सकता है उस गांव में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको अभी घर न पहुंचा हो, नल से जल न पहुंचा हो, गैस कनेक्शन न पहुंचा हो। इतना सारा किया है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो, तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ, आप ही मेरे लिए मोदी हैं। पूरे विश्वास के साथ उनको कह देना, जैसे गांव में और लोगों को घर मिला है, नल से जल मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना, वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको अपना हक मिल जाएगा। ये बताओगे? घर घर जाके बताओगे? साथियों, अमरोहा
और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस सपा बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी जन अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए, ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है वो एक बोरी अमेरिका में 3000 रुपए में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है अमेरिका में? कितने में मिलती है? 3000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। एक समय था जब यूपी में धड़ाधड़ चीनी मिलें बंद हो रही थी, जबकि हम हसनपुर शुगर मिल की क्षमता दोगुनी करने पर काम कर रहे हैं। यहां अमरोहा में इथेनॉल का प्लांट भी लगाया है। अमरोहा के आम का स्वाद भी किसानों के लिए समृद्धि लाए, हमारी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। आम की प्रोसेसिंग के लिए यहां मैंगो पैक हाउस का निर्माण किया गया है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें? अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं, लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था और अमरोहा तो सीधा सीधा श्री कृष्ण के साथ नाता रखने वाली जगह है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां से निकल करके गुजरात गए थे और मजा देखिए, मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया। काशी ने मुझे सांसद बना दिया। अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है और वहां मैं गया, समुन्द्र में बहुत गहरा चला गया जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को
जिसके साक्षात सबूत हैं। इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। और जो अपने आप को यदुवंशी कहकर के ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का माल मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो, कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो। साथियों, आप याद करिए, तुष्टीकरण के इसी खेल ने यूपी को और खासकर हमारे पश्चिमी यूपी को दंगों की आग में जलाया था। यूपी के लोग गुंडा राज का वो दौर कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। साथियों, 26 अप्रैल को चुनाव में एक बड़ा अवसर आने वाला है। आपको मेरे साथी भाई कंवर सिंह तंवर को रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद में मेरी मदद करने के लिए भेजना है। आपको यहां से निकलकर एक और काम करना है, करेंगे? देखिए, अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्य में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे। मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था, अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। भाइयों बहनों, लेकिन इसके लिए हम सबको पोलिंग बूथ जीतना है। अपना पोलिंग बूथ जीतोगे, पोलिंग बूथ जीतोगे, घर घर जाओगे, मतदान करवाओगे,
ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओगे? अच्छा, मेरा एक काम करना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? एकदम पीछे जो लोग हैं वो भी बताए, करेंगे? देखिए, घर घर जाना और लोगों को कहना कि अपने मोदी जी अमरोहा आए थे और मोदी जी ने आप सबको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।